के मित्र मिले हम चार। एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। बहुत अच्छा, बहुत आप सबका बहुत बहुत आभार। यूपी में सरकार बनी, बुलडोजर बाबा ने पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा मिलवा के उत्तर प्रदेश में पीटे गए। मैंने चार लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, मैं तो अधूरी कभी क्लास में अध्यापक आ गए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ है, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा कर, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके, हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो आमंत्रण आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, संस्कृत वाला वापस आकर के पूछ गया, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। चीनी को जमा, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने दो मिसाइलें दी, मोदी जी ने पूछा मैं इसका क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं हिंदी वाला गया ही नहीं, बोला लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके, और आप सब आनंद लेना, हिंदी वाले ने फिर पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? आपको हास्य और व्यंग एक साथ मिल जाए। हिंदी वाले ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, देखो आनंद तो सब ले रहे हो लेकिन तालियों का घनत्व थोड़ा सा बढ़ा दो और आप लोग। चीनी को जमा, नहीं एक तो महिलाएं इतना खुलकर हंस रही है ना, घर पे भी इतना खुश रहा करो। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं गणित का अध्यापक आ गए। अच्छा। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौट आएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौट आएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटा। चीनी को जा, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को जमा करके, गणित वाले ने फिर पूछा, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, दादाजी भी हंसे, इन्हें भी एक्स की वैल्यू पता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आप लोगों को, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और इन महिलाओं ने किया। अच्छा। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बता रहा हूं आपको, एक महिला के पीछे एक आदमी नहा धोकर पड़ गया। वो महिला ने जब अपना मुंह धोकर दिखाया तब बात संभली। चीनी को जमा, चीनी को जमा करके फिर से, क्या बढ़िया आप लोग आनंद ले रहे हैं, बहुत ही आनंद आ गया। मैं तो ट्रेन में आ रहा था,
बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश, चीनी को जमा करके। मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था, पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं, चीनी को जा। आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में चीनी को। अच्छा एक आप लोग का आनंद लेना, बिल्कुल आपके आनंद के लिए, बिल्कुल आप सबके आनंद के लिए। मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी। एक बार करके दिखा। रोज मेरे पड़ोस में एक लड़की नागिन डांस करती थी। मैंने एक दिन कहा कभी डस्ती क्यों नहीं हो? चीनी को जमा। क्या बढ़िया आप लोगों ने आनंद लिया। एक एक विशेष मुक्तक आप लोगों को सुनाकर, बढ़िया आप लोग सब सुन रहे हैं। अरे नहीं नहीं बस हो गया। अरे भाई आवाज नहीं आ रही। चीनी नहीं जमी है, कह रहे चीनी को जमाओ। चीनी को जमवाए? हाँ। मतलब हदों को, हम अपन चीनी को उखाड़ फेंकने में लगे, तुम चीनी को यहाँ जमाना चाहते हो? जी समय की अपनी सीमाएं हैं, हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचना है। मैं चार लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोगों के प्रेम को प्रणाम करता हूं सर। मैं तो यहीं रह जाऊंगा, 2-4 साल मुझे रख करके देख लो, कोई टेंशन नहीं है। चार अंतिम लाइनें सुनिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। चार अंतिम लाइनें आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि मित्र मिले हम चार। एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सबका बहुत बहुत आभार।